My dear student, today we will be discuss about breathing mechanism or mechanism of breathing. तो इसमें होता है क्या, इनफ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द एनवायरमेंट. क्या होता है बच्चों, इनफ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द एनवायरमेंट, इनफ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द एनवायरमेंट. ठीक, जिस घटना को क्या बोलेंगे हम, इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन, ठीक. और इसमें हमारे बॉडी के अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन आ जाता है. ठीक, जैसे कि मैंने सांस लिया, ऐसे सांस लिया मैंने, हाँ, पहले जब हमने लिया उस घटना को क्या बोलेंगे, इनफ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द एनवायरमेंट, एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, बाय व्हिच एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन कम्स इन आवर बॉडी बाय आवर नेजल ओपनिंग. और दूसरा घटना क्या होता है बच्चों, दूसरा घटना होता है आउटफ्लो ऑफ एयर, आउटफ्लो ऑफ एयर, एंड इट इज ओकर बिटवीन एल्वियोलाई ऑफ लंग एंड एटमोस्फियर. जिस घटना को क्या बोलेंगे, एक्सपिरेशन. एक्सपिरेशन, ठीक. और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर पैदा हुआ, ये क्या हुआ, बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो गया. ठीक है, तो ये जो दो घटना, इनफ्लो ऑफ एयर एंड आउटफ्लो ऑफ एयर, जिसको साइमल्टेनियसली क्या बोला गया, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, जिसमें क्या जाता है, इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है बॉडी का. तो इसमें और दो घटना मतलब पैरेलली रन करता है. जैसे कि जब इंस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ लंग, एक्सपेंशन ऑफ लंग. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, ऑब्वियसली लंग तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. और जब क्या करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, तब क्या होता है बताइए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग. बात समझ में आ गया क्या बच्चों? अब देखिए यहाँ पर ये जो दो घटना मैंने बताया, ये डायग्राम के साथ क्या करते, समझ लेते. देखिए अब यहाँ पर ये घटना को गौर से देखिए, ये क्या है बताइए, ये किसी का नाक है, ठीक. और उसके नीचे ये क्या है, उसका लिप, और ये इसका जस्ट एक ह्यूमन फिगर, राइट. और ये जगह पे क्या रहेगा उसका, राइट, ये आई उसका. तो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं ऑब्वियसली, क्या आजू बाजू नहीं देखेंगे, हम बनाएंगे कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑब्वियसली. तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है बताइए, ट्रैकिया. ट्रैकिया जो बाद में क्या हो जाएगा, दो डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा, दो डिवीजन में ये ट्रैकिया क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. हाँ, और जो घेर के कौन रहेगा बताइए, जो घेर के रहने वाला है लंग, कौन रहेगा बच्चों, जिसको घेर के रहने वाला है लंग, राइट. ये हो गया अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आके यहां से नजल चैम्बर से ये जगह पे रन होता है. ठीक, मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको दिखाया. तो इस घटना में क्या होता है कि ऑक्सीजन, इंस्पिरेशन का प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होता है, अंदर जाता है, और कहां तक जाता है, ये अप टू लंग ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग. और यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके आता है, वो यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बताइए, लंग पे डिलीवरी दे देता है, और ये डिलीवर होके अल्टीमेटली क्या होता है, नजल ओपनिंग से बाहर एलिमिनेट हो जाता है. तो ये दो ही घटना मैंने सिंपली यहाँ पर बताने का कोशिश किया आपको. अब देखिए दूसरा एक घटना और, ये जगह पे होता है क्या, ये जो लंग है इसको घेर के रखता है कौन बताइए, मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको दिखाने का कोशिश करूँ बच्चों. ये मानिए कि ये रीब है, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आप ये समझ गए मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ. तो ये रीब है, ठीक, रीब का कटा हुआ हिस्सा, ठीक, ऐसा लंग को घेर के दोनों साइड में रहता है, मैं एक साइड में ड्रॉ किया, ठीक, एक साइड में ड्रॉ किया. अब देखिए लंग के बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसल होता है जिसका नाम है इंटरकोस्टल मसल, जो
क्या करता है, ये जो रिब्स को पकड़ के रखता है। अब बताइए ये जो मसल है जो रिब्स को पकड़ के रखा है, इस मसल का नाम क्या है? इंटरकोस्टल मसल। बताइए क्या नाम है? इंटरकोस्टल मसल, MUSCLE, राइट, इंटरकोस्टल मसल। कौन सा मसल हो गया इंटरकोस्टल मसल? ये मसल, ठीक है, ये मसल, ये सारा मसल जो है इसको क्या बोला गया? इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। ऐसा जितना भी रिब्स है वो सारा रिब्स में ये इंटरकोस्टल मसल क्या करा, इसको कनेक्ट करके रख दिया। अब ये जो इंटरकोस्टल मसल, और एक बात बता देता हूँ, इट इज एक्चुअली दिस इंटरकोस्टल मसल इज थ्री टाइप। हाउ मेनी टाइप? थ्री टाइप। क्या क्या है ये क्वेश्चन में पूछा जाता है? एक होता है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, जो एकदम अंदर रहेगा रिब्स के अंदर, ठीक। और एक रहता है कौन सा बताइए, इसको बोला जाएगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। और एक है जैसे कि मैंने बताया तीन तरह का इंटरकोस्टल मसल है, और एक है जिसका नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ये जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये दो मसल का बड़ा ही मतलब अनोखा रोल रहता है किसमें बताइए? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। और एक चैंपियन मसल रह गया जिसके बारे में हमको बात करना ही चाहिए, और इसके बिना क्या है मैकेनिज्म कंप्लीट होता ही नहीं ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म, जिसका नाम है डायफ्राम। क्या नाम है बताइए? ये जो मसल है ये मसल का नाम है डायफ्राम, DIAPHRAGM, डायफ्राम, ठीक। तो ये दो मसल, एक तो इंटरकोस्टल मसल में कौन सा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। दे एक्ट एज वेरी चैंपियन मसल, द वेरी मास्टर मसल फॉर द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो आपको समझ के लेना चाहिए। क्या है? देयर आर मेन एक्चुअली टू प्रोसेस बाई हुईच लंग आर एक्सपेंडेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड। क्या बताया मैंने बच्चों? साफ साफ बताओ कि लंग को कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होने के लिए दो प्रोसेस यहाँ पर काम करता है। एक तो है जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, डायफ्राम। अब देखिए डायफ्राम के बारे में पहला पॉइंट मैं डिस्कस करता, क्या है कि जो पॉइंट यहाँ पर अभी डिस्कस करा आपसे, कि देयर आर मेन टू प्रोसेस बाय हुईच व्हाट, लंग आर एक्सपेंडेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड। तो वो क्या है? नंबर वन जो प्रोसेस है वो क्या है बताइए? वो हो गया डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। अभी तो बताया तो था कि क्या है बताइए? डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ व्हाट, डायफ्राम, ठीक। यहां पर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं कि डायफ्राम के बारे में, एक पॉइंट बता रहा हूं कि डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए डायफ्राम जब नीचे की तरफ आया, ये हो गया आपका डायफ्राम, ठीक। सिंपल सादा क्रिस्टल क्लियर आइडिया यहाँ पर डेवलप करके रखो। डायफ्राम जब नीचे आ गया, मानिए कि ये डायफ्राम नीचे आया, तो बताइए बच्चों लंग के लिए जगह ये छोड़ देगा, या लंग जो जगह ऑक्यूपाई करके बैठ गया वो जगह क्या होगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? अगर डायफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया तो ऑब्वियसली ये कोई भी अंधा भी बता देगा कि ये डायफ्राम अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया तो लंग को रहने के लिए क्या होगा, एक्सपेंड होने के लिए क्या मिलेगा, जगह मिलेगा, ठीक है। बात समझो बात को। तो क्या होता है, डायफ्राम जब डाउनवर्ड आता है तो क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है, और ये जो थोरासिक कैविटी है क्या होता है, ये बढ़ जाता है। बात समझ में आ गया? और डायफ्राम जब ऊपर की तरफ खुद को पुश करता है तो क्या होता है, लंग जो जगह ऑक्यूपाई करके बैठ गया वो जगह थोड़ा सा ये डायफ्राम क्या होता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो क्या होता है अपवर्ड मूवमेंट पे डायफ्राम का, बताइए यहाँ पर होता है एक्सपिरेशन। बात को ध्यान से समझो, ये हो गया इवेंट नंबर वन। अब दो नंबर के क्या है, नंबर टू,
जो है वो होता है क्या बताइए, कि एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ रिब। एलिवेशन, ELEVATION, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ रिब, ठीक, एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ रिब्स। मैंने बीच में जाकर रखा क्योंकि यहां पर मुझे कुछ मतलब और बताना है, ठीक। अब देखिए, ये चारों साइड से जैसे कि मैंने यहां पर ड्रॉ करा, तो यहां पर चारों साइड से क्या रहता है बताइए, यहां पर रिब्स है, ये जो है रिब्स है, कटा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक, ये रिब्स है, राइट, ये रिब्स है। चारों साइड से ऐसे बॉक्स की तरफ इसको थोरक्स को ये कवर कर लिया, ठीक। अब देखिए, अगर रिब्स का एलिवेशन हो गया, इसका मतलब क्या है, अपना छाती ऊंचा हो जाएगा। तो छाती ऊंचा कब होता है, जब हम सांस अंदर लेते, देखिए अंदर अंदर मतलब बहुत सारा एयर अंदर ले लिया, तो क्या हो गया, एलिवेशन ऑफ रिब्स, मतलब अपना जो केज है, रिब केज है, ये क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। तो इस घटना क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है क्या बताइए, इंस्पिरेशन, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, ये इंडिकेट करता है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, ठीक। और इस घटना में और एक घटना होता है क्या बताइए, अपना जो थोरासिक कैविटी ये इंक्रीज हो जाता है, ऑब्वियसली ये लंग का जगह बढ़ रहा है ना, लंग के अंदर अब मतलब आप इंस्पिरेशन जो कर रहे हो, ठीक। और डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में वही घटना होता है क्या जो आप ऑलरेडी माइंड में घुमा चुका हो, एक्सपिरेशन, ठीक, यहां पर भी लिख देता हूं, ये क्या होता है, एक्सपिरेशन, ठीक। ये बात आपको समझ में आया एकदम क्लियरली बताइए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। माय डियर, नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व मेजरली टू स्टेप, मेजर्स टू टू स्टेप। फर्स्ट वन इज इंस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन, ठीक। जो थोड़ी देर पहले आपको इसका जस्ट लिटिल बिट आइडिया आपको डेवलप कराया मैंने। अब देखिए, ये इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन मेनली तीन घटना है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पहले थोड़ा बहुत लिटिल आइडिया आपको दे के रखता हूँ। एक तो नंबर वन, एक जो है इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या रहता है बताइए, एटमोस्फेरिक प्रेशर एक घटना है जो बहुत क्या करेगा, इसको इफेक्ट करेगा इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को। दूसरा और एक करेगा वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ लंग, ठीक। और एक घटना जो है, और एक चीज जो रेस्पिरेटरी मसल, ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल, ये तीन चीज याद रखो, ठीक। एक एक करके मैं क्रिस्टल क्लियर करूंगा ये कैसे इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन मतलब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में ये इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, हम यहां पर सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे कौन सा, इंस्पिरेशन, ठीक। तो आप लिख लीजिए, यहाँ पर मैं अभी डिस्कस करूंगा इंस्पिरेशन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डायग्राम बनाना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक एकदम सिंप्लीफाइड डायग्राम रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। ये क्या है बताइए, ये हो गया मान लो कि आपका ट्रैकिया, ट्रकिया, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया लैरिंग्स, लैरिंग्स। और ऊपर यहां पर कौन सा है बताइए, ये जगह पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, बोल दीजिए, एपी ग्लोटिस, एपी, एपी ग्लोटिस, ठीक। और यहां पर ये जो डिवीजन, पहले डिवीजन हुआ, पहले ट्राकिया जो दो डिवीजन में डिवाइड हुआ, इसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रॉन्ची, ठीक। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको दिखाना चाहूंगा,
ये लंग मैंने ड्रॉ किया। और एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था, यहाँ पर लेफ्ट लंग पे ये जगह पे एक डिप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पर ये डिप्रेशन, ये डिप्रेशन का नाम क्या है ये मुझे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक, जबकि मैं ये सॉल्व करके आपको दिया था, ठीक, ये बात याद रखना। और हर कोई जो भी मेरा स्टूडेंट वीडियोस देख रहा है ये कमेंट जरूर करना और बताना आपको वीडियो कैसे लग रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये हो गया अपना कौन सा वाला बताइए, ट्रकिया, ठीक, और ये हो गया प्राइमरी ब्रॉन्ची। और इसके साइड बाय साइड दो इम्पॉर्टेंट मसल जो है रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा क्या करेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये कौन सा है, ये हो गया डायफ्राम, डायफ्राम। और यहाँ पर क्या बना, क्या बनाता हूँ मैं, हम देखिए एक बार देख के बताइए, ये क्या है बताइए, रिब्स, रिब्स का ये कटा हुआ हिस्सा, ठीक है, ये रिब्स है, ठीक, इस तरह से रिब्स जो है ये पूरा लंग्स को दोनों साइड से कवर करके रख दिया, पर मैंने एक साइड का ही बनाया, ठीक। और रिब्स के बीच में यहां पर मैंने एक मसल डिस्कस किया था, ये कौन सा मसल है बताइए, मैंने उसमें से दो मसल आपको बताया था कि इसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, किसमें बताइए, कि आपका रेस्पिरेशन में। तो यहां पर हम इंस्पिरेशन पढ़ रहे, इंस्पिरेशन मतलब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ रहे, तो यहाँ पर इंस्पिरेशन में जिसका बड़ा मेजर रोल रहता है उसका नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये जो भी दिख रहा है यहाँ पर, ये मसल, ये मसल, ये मसल, ये मसल, ये सारा मसल को क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और यहाँ पर कौन है, ये हो गया आपका डायफ्राम। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि इंस्पिरेशन या एक्सप्रेशन के लिए दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये अगर क्रिस्टल क्लियर आइडिया आपको चाहिए, एक तो प्रेशर, दूसरा क्या है, ये हो गया आपका वॉल्यूम, एंड तीसरा हो गया मसल। अब देखिए यहाँ पर बाहर क्या है, ये जगह पे गैस, ये क्या है बताइए, गैस है, ठीक है, और गैस में हम कंसीडर करेंगे ऑक्सीजन, ठीक, क्योंकि हमको ऑक्सीजन अंदर लेना है। अब क्या होता है, ये एटमोस्फियरिक, ये जो गैसियस प्रेशर, ये कितना रहता है, ये गैसियस प्रेशर जो है, एटमोस्फियरिक प्रेशर बोलते हैं इसको, एटमोस्फियरिक प्रेशर, प्रेशर ये कितना रहता है, एग्जैक्टली इट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक, याद रखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है गैस का वो कितना है बताइए, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब यहां पर क्या है, ये तो एटमोस्फेरिक प्रेशर गया, पर लंग पे भी कुछ गैसियस प्रेशर होगा ना, तो यहां पर भी क्या होता है बताइए, मतलब ये सरप्राइजिंगली यहाँ पर भी क्या है, सरप्राइजिंगली नहीं है, यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी जो आपका प्रेशर है, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर इधर लिखता हूँ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, पल्मोनरी मतलब लंग, मतलब लंग के अंदर जो प्रेशर होता है, ये भी कैसा होता है बताइए, इक्वल टू द प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर, मतलब कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ एजी, मतलब मर्करी, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर मानिए कि ये दो गैस सिलेंडर है, मानिए कि यहाँ पर दो गैस सिलेंडर है, ठीक है, ये दो गैस सिलेंडर, ठीक, देखिए, और हाँ, तो कौन सा गैस सिलेंडर बड़ा है, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है। अब इसमें आपने क्या करा, दोनों में एक लीटर करके गैस भर दिया, दोनों में एक लीटर गैस भर दिया, ठीक है, तो अब बताइए कौन सा कंटेनर में गैस का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियसली जो छोटा वाला कंटेनर, इसमें क्या है, गैस का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो क्या रहेगा, अगर ये गैस का प्रेशर
एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हुआ, कंटेनर के अंदर प्रेशर जो है ये एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा, ये हाई प्रेशर वाला कंटेनर से क्या होगा बताइए, ये एटमोस्फेयर में गैस निकल के चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक मैकेनिज्म आप समझिए, गैस ऑलवेज माइग्रेट टू हाई प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिधर भी प्रेशर लो रहेगा ठीक है वहाँ पर गैस माइग्रेट करके आ जाएगा। अब क्या होता है, वॉल्यूम ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक लीटर गैस भर दिया आपने, गैस भर दिया तो यहाँ पर गैस का जो मॉलिक्यूल का जो डेंसिटी ये ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर भी आपने एक लीटर गैस भरा ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है इसका वॉल्यूम कम है ठीक है। अब देखिए तो इसका मतलब क्या है, जिसका वॉल्यूम बड़ा होता है उसका प्रेशर क्या होता है, लो होता है, जिसका वॉल्यूम छोटा होता है उसका प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, ये बात याद रखना ठीक है। ये वॉल्यूम के बारे में आप देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जब आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये जो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन ये अंदर आ जाता है। अब वो तो बात बाद में समझो कि अंदर क्यों आता है ये समझो पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब देखिए एक आइडिया और आपको डेवलप कराना जरूरी है, देखिए मान लो हम एक खाली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ही रिब्स यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर रहा है ठीक, और ये मान लो पीछे से रिब्स कहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, वर्टिब्री के साथ, ये वर्टिब्री ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जिससे बनता है उसको वर्टिब्री बोलते हैं, और वर्टिब्री से यहाँ पर ये जुड़ा हुआ कौन है बताइए, ये हो गया आपका रिब्स ठीक है, और रिब्स सामने के पोर्शन में मतलब छाती में यहाँ पर एक बोन होता है जिसको बोलते हैं कौन सा बताइए, जिसका नाम है स्टारनम, स्टारनम के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए रिब्स के साथ मैंने क्या बताया, रिब्स के साथ मसल जुड़ा हुआ रहता है, तो ये जो रिब्स के बाहर के साइड में ये जो मसल दिख रहा है इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ठीक, ये बाहर के साइड में जो मसल जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये जो मतलब साइड में दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, रिब ठीक, और ये क्या है, इसका नाम स्टारनम, स्टारनम, तो बैक पोर्शन में वर्टिब्री रहता है, सामने का पोर्शन में क्या रहता है, स्टारनम रहता है, और स्टारनम और वर्टिब्री क्या करता है, रिब्स को जुड़ के रखता है, तो ये अपना केस बनाता है, मैंने एक बताया है यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और प्रोमिनेंट करता है क्योंकि ये रिब्स है ऐसा राइट, इस तरह से गुड राइट। अब बाहर के रिब्स के बाहर के साइड में कौन सा मसल जुड़ा हुआ है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया है, और अंदर के पोर्शन में भी मसल रहेगा जिसका नाम क्या है बताइए, जिसका नाम है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इसका नाम क्या है, अरे यार माय गुडनेस लाइट हैज गॉन, थैंक्स गॉड आ गया। तो बच्चों ये बाहर के तरफ ये जो मसल दिखाया है इसका नाम क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और अंदर के तरफ ये जो मसल है इसका नाम क्या है बताइए, इसका नाम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया ये याद रखना। अब बताओ बच्चों कि अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है बाहर के तरफ ये मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये जो थोरासिक कैविटी ये क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और अगर बड़ा हो जाएगा ये कैविटी, लंग के अंदर ये कैविटी अगर बड़ा हो जाएगा थोरासिक कैविटी, तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर क्या होगा बताइए, अंदर का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कितना डाउन हो जाएगा, ये जो क्या है यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कितना था 760 mmHg, ये रिड्यूस होके अप टू कहाँ तक चला जाएगा बताओ, 759 mmHg तक चला जाएगा ठीक है, और अभी एनवायरनमेंट में इसका प्रेशर कितना है, एनवायरनमेंट पे है 760 mmHg, तो यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो गया और
बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो गैस का नेचर कैसा बताया था कि जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां से क्या हो जाएगा, लो प्रेशर में आ जाएगा, तो ऑक्सीजन गैस क्या हो गया बताओ, अंदर आ गया। और एक घटना इसके साथ साथ हुआ, ये जो डायफ्राम ये भी क्या हो गया बताओ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, ये नीचे की तरफ माइग्रेट करता है, ये याद रखना बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंस्पिरेशन के समय, और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसके से थोड़ा सी कैविटी एक्सपेंड हो गया, ये लंग को जगह मिल गया और अंदर का प्रेशर रिड्यूस हो गया, फोकस प्रेशर रिड्यूस हो गया, जिसके वजह से प्रेशर रिड्यूस हो गया और वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया अंदर का, प्रेशर रिड्यूस हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ गया। हाँ, तो इस घटना को क्या बोलेंगे हम, इंस्पिरेशन, क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन। तो ये इस बार का जो नीट का एग्जाम गया 2020 का, ये क्वेश्चन पूछा था कि इंस्पिरेशन का घटना में क्या होता है, तो कौन सा मसल के साथ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर देखिए आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसके वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सी कैविटी पल्मोनरी कैविटी एक्सपेंड हो जाता है, और एक्सपेंड होने से क्या होता है, अंदर का जो प्रेशर एक कम हो जाता है, और जिसके वजह से क्या होता है बताइए, ऑक्सीजन गैस अंदर आ जाता है। तो इस घटना को क्या बोलेंगे हम, इंस्पिरेशन। आई होप इट मेक सेंस, राइट। तो फिर भी बच्चों मैं इंस्पिरेशन का स्टेप्स बता दे रहा हूँ, आप फटाफट क्या करना, ये कॉपी में लिख लेना, ठीक है। नंबर वन इवेंट कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, राइट। क्या का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस घटना क्या करा। सेकेंड इवेंट क्या हुआ, इंट्रापल्मोनरी एंड थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीज, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम एंड थोरासिक वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ, थर्ड स्टेप में लीड्स टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ लंग। जब भी ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, तब क्या हो गया, अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया बताइए, डिक्रीज हो गया। कहाँ तक डिक्रीज हो गया, ये अप टू 759 mmHg, ठीक। और इसके वजह से क्या हुआ, एयर एंटर द लंग थ्रू द नॉस्ट्रिल एंड दैट्स लीड्स टू व्हाट, इंस्पिरेशन। बात समझ में आ गया बच्चों। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, एक्सपिरेशन के ऊपर। हाँ बच्चों, तो देखिए यहाँ पर अभी हम बात करेंगे किसके ऊपर बताइए, थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक्सपिरेशन, ठीक। तो ये जो है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये बताया आपको, पता है ये हो गया आपका एपिग्लोटिस, ये हो गया आपका लैरिंग्स, ये हो गया आपका ट्रैकिया। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको सभी पता है। ये हो गया आपका कौन सा, प्राइमरी ब्रॉन्ची, ठीक। और नीचे ये जो खूबसूरत मसल दिख रहा है इसका नाम क्या है, डायफ्राम। और ये छोटा छोटा जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये रिब्स है, ये क्या है, रिब्स, ठीक। और इसके साथ साथ ये बाहर जुड़ा हुआ है कौन बताइए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और अंदर जो मैंने आपको दिखाया नहीं था, यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर ब्लू 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 ये दिख रहा है, ये कौन हो गया, ये हो गया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। बच्चों मैं लॉन्ग फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग फॉर्म आपको लिख के ऑलरेडी दिया, टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। आप शॉर्ट लिखना नहीं, ये मेरा वर्डर है, ठीक है। तो ये अंदर का मसल क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो मैंने एक रिब और पूरा सिस्टम को कट करके यहाँ पर देखा। तो ये पीछे की तरफ क्या रहेगा, ये वर्टिब्री, अपना वर्टिब्रल कॉलम का ये हिस्सा, और वर्टिब्रल कॉलम से ये दो रिब्स आपको दो साइड में देखा है, ये वाला हिस्सा एक, ये एक रिब है, ठीक है, जो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है और सामने से किससे जुड़ा हुआ है, स्टर्नम से। और रिब के बाहर ये जो मसल है लाल 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 लाल, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और अंदर ये जो मसल है इसको बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो हमने देखा कि जब इंस्पिरेशन हुआ तो
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब एक्सपिरेशन के समय क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, ये घटना वो नंबर वन। ठीक, और एक्टिव कौन होगा, जब भी डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पहली बार डायफ्राम कैसा था, ऐसा रिलैक्स कंडीशन में इस तरह का था। ठीक, थोड़ा सा फ्लैट लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर था। अब क्या हो गया, ये जब रिलैक्स कंडीशन में आया तो ये इसका ओरिजिनल प्लेस में चला गया और क्या हुआ, थोरासिक जो कैविटी है उसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया। ठीक है, तो ये डोम शेपेड हो गया। कैसा हो गया बताइए, डोम शेपेड कॉन्वेक्स। कैसा हो गया बताइए, कॉन्वेक्स हो गया। कौन सा समय कॉन्वेक्स हो गया डायफ्राम, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। जब भी कॉन्वेक्स हो गया ऊपर की तरफ पुश किया तो ये लंग के ऊपर इसने प्रेशर दिया और लंग जो जगह पे था वो जगह ऑक्यूपाई कर लिया बताइए डायफ्राम। ठीक है, तो देखिए अंदर का जो कैविटी है, अंदर का जो जगह है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और साथ ही साथ क्या करा, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो तो रिलैक्स हो गया और साथ साथ क्या हो गया, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये रिब्स को अंदर की तरफ खींच दिया, रिब्स को जब अंदर की तरफ खींच दिया तो देखिए लंग का जो कैपेसिटी, लंग का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया बताइए, वो हो गया कम। ठीक है, लंग का वॉल्यूम छोटा हो गया। अब जब भी वॉल्यूम छोटा हो गया तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया बताइए, अंदर का प्रेशर हो गया इंक्रीज। अंदर का प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अंदर का प्रेशर अब कितना हो गया बताइए, अब हो गया 759 mmHg। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एयर में प्रेशर कितना था, यहाँ पर था 760 mmHg। ठीक, तो क्या होगा, गैस लंग से क्या हो जाएगा बताइए, बाहर चला जाएगा, CO2 बाहर चला गया। तो इस घटना को क्या बोलेंगे हम बताइए, एक्सपिरेशन। और इसमें कौन सा घटना इन्वॉल्व हुआ, स्टेप नंबर वन यहां पर क्या होगा, रिलैक्स ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, रिलैक्सेशन मैं बता देता हूँ बच्चों, लिखने से समय चला जाएगा, मैं बता देता हूँ, आप क्या करो कॉपी कर लो। ठीक है, तो ठीक है चलो मैं लिख ही देता हूँ, रिलैक्सेशन, रिलैक्स ऑफ डायफ्राम, DIAPHRAGM, रिलैक्स ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, गड़बड़ मत करना। और इस समय क्या हो गया, रिलैक्स कौन सा मसल हो गया, रिलैक्स हो गया डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और कॉन्ट्रैक्ट कौन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खाली हुआ कौन सा बताइए, कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो कैविटी को छोटा कर दिया, प्रेशर इसके वजह से ज्यादा हुआ, इसके वजह से बाहर प्रेशर, सॉरी एक बात, बहुत जरूरी बात, मैंने यहाँ पर मिस्टेक करा बच्चों, तो ये बुरा मत मानना। राइट, देखिए यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, कैविटी डिक्रीज होने के वजह से, प्रेशर बढ़ने के वजह से यहाँ पर कैविटी जो है अंदर का जो वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होने के वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 761 mmHg। राइट, जस्ट यहाँ पर फोकस करो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम छोटा हो गया किसके वजह से, क्योंकि ये डायफ्राम इसका ओरिजिनल पोजीशन में चलाया गया। ठीक है, रिलैक्स होके ये इसको पुश कर दिया और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होके इसको छोटा कर दिया, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ के कितना हो गया, अप टू यहाँ पर ओरिजिनली था कितना, 760 mmHg, पर अभी कितना हो गया बताइए, अभी हो गया 761 mmHg। तो ये क्या है, ये एनवायरमेंटल जो प्रेशर है इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो गैस का नेचर आप जानते ही है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चला जाता है, इसलिए क्या हो गया, ये लंग से क्या हो गया, नजल ओपनिंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड या गैसेज जो है ये बाहर चला गया। बात समझ में आ गया ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर तो बता दिया, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इवेंट नंबर टू, इसमें क्या हुआ, इंट्रा पल्मोनरी एंड थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीज। ठीक है, क्या हो गया, इंट्रा पल्मोनरी अंदर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंट्रा पल्मोनरी एंड थोरासिक वॉल्यूम, BO
एलयूएम वॉल्यूम डिक्रीज डिक्रीज एंड दैट इज लीड्स टू हाई प्रेशर इन द लंग लीड्स टू हाई प्रेशर प्रेशर इन द लंग ठीक है। हाई प्रेशर जब भी हो गया कितना हो गया हाई प्रेशर 761 तक और यहां पर 760 तो ये लंग से बाहर चला गया ठीक है। दैट इज लीड्स टू एक्सपिरेशन एक्सपिरेशन ठीक ये बात याद रखना ठीक। ये हो गया आपका कौन सा बताइए इंस्पिरेशन एज वेल एज इवेंट ऑफ एक्सप्रेशन राइट। बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन ठीक है आपके लिए छोड़ के जाना जरूरी है कि देखिए यहाँ पर क्या है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कौन सा वाला ये वाला मसल अंदर का ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक मसल क्या करता है एक्सप्रेशन के लिए सहायता करता है जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल मसल एब्डोमिनल मसल ठीक है। तो कौन सा मसल गया एक तो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ठीक और दूसरा क्या है एब्डोमिनल मसल। ये क्या होता है ये एक्सपिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और डायफ्राम तो करता ही है वो तो बात अलग ही है ठीक है। तो एक्चुअली एक्टिवली हेल्प कौन करता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल आर द मसल ऑफ एक्सप्रेशन। इसको क्या बोला जाता है मसल ऑफ एक्सप्रेशन ठीक। ये बात बड़ा फुर्ती से याद रखना राइट। हाँ बच्चों तो हम लेक्चर का लास्ट एंड तक आ गया तो अभी हमको बात करना जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कि सीक्वेंस ऑफ एयर फ्लो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन ठीक। तो पहले हम किसके बारे में बात करेंगे इंस्पिरेशन के थ्रू कौन सा पाथवे के थ्रू क्या होता है एयर अंदर एल्वियोले तक प्रवेश करता है ठीक। तो सबसे पहले नंबर वन सबसे पहले कहाँ पर आता है बताइए नॉस्ट्रिल कहाँ पर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ठीक जिसको बोला जाता है एक्सटर्नल नेरिस भी बोला जाता है। अब नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ चला जाता है नेजल कैविटी ठीक। ये याद रखना बच्चों नेजल कैविटी ठीक। ये सारा पॉइंट मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करके दिया कि नेजल कैविटी क्या है नॉस्ट्रिल क्या है राइट। अभी जरूरत नहीं है आप उतना स्मार्ट तो हो ठीक है। तो नेजल कैविटी से कहा जाता है इंटरनल नेरिस से कहा जाता है बताइए आप एक बार बताने का तो कोशिश कीजिए। इंटरनल नेरिस से चला जाता है फेरिंग्स कहाँ तक चला गया बताइए फेरिंग्स तक। फेरिंग्स से ये कहाँ पर जाता है ये जाता है ग्लॉटिस और ग्लॉटिस से कहाँ पर जाएगा ग्लॉटिस से जाएगा लैरिंग्स ठीक है जिसको वॉइस बॉक्स बोलता है LANX लैरिंग्स को और भी कौन सा नाम से जाना जाता है बताइए वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स से कहाँ पर चला जाता है ट्रैकिया से कहाँ पर जाएगा ट्रैकिया से जाएगा ब्रॉन्ची कहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी याद आ रहा है ब्रॉन्ची में जाएगा और ब्रॉन्ची सेवरल डिवीजन में डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रॉन्ची सेकेंडरी ब्रॉन्ची टर्शियरी ब्रॉन्ची वगैरह 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 ठीक है। तो ब्रॉन्ची से कहाँ पर जाएगा ब्रॉन्ची से जाएगा ब्रॉन्ची ओल और ब्रॉन्ची ओल से फाइनली कहाँ पर जाएगा बताइए ये जाएगा एल्वियोलर डक्ट एंड फ्रॉम एल्वियोलर डक्ट इट इज फाइनली कहाँ पर जाएगा बताइए एल्वियोलाई ठीक। तो ये गया नॉर्मल क्या है इंस्पिरेशन के थ्रू एयर का पाथवे ठीक है। अब एक्सप्रेशन के थ्रू क्या होता है जस्ट इसका रिवर्स एल्वियोलाई से कहाँ पर चला जाएगा एल्वियोलाई से चला जाएगा ये एल्वियोलर डक्ट पे एल्वियोलर डक्ट से कहाँ पर ब्रॉन्चियोल ब्रॉन्चियोल से कहाँ पर
ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची से कहाँ पर बताइए, ट्रकिया, ट्रकिया से कहाँ पर, लैरिंग्स, लैरिंग्स से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इंटरनल नेरिस, इंटरनल नेरिस से कहाँ पर, नजल कैविटी, एंड फाइनली कहाँ पर, नोस्टिल से आउट ऑफ द बॉडी। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए कुछ और बात, यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन आपको देना है। ठीक है, ए नॉर्मल ह्यूमन कैन ब्रीथ 12 to 16 टाइम पर मिनट। नॉर्मल पर्सन कितना ब्रीथ करेगा, 12 to 16, 16 टाइम पर मिनट। ठीक, जैसे कि मैं एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन हूं, ठीक, तो मैं पर मिनट कितना बार ब्रीथ करूंगा, जनरली 12 to 16 टाइम AMCQ में पूछा जाता है, आप याद रखना। फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि ए नॉर्मल ह्यूमन कैन ब्रीथ 12 to 16 टाइम पर मिनट। दूसरा बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख के भी मेंशन करके दे रहा हूँ, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पाइरोमीटर। ठीक बच्चों, याद रखिएगा स्पाइरोमीटर। ठीक, मैंने क्या बताया, यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स, ठीक, इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाई यूजिंग स्पाइरोमीटर, कि हम कितना वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम हम अंदर ले रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, ये हम किससे माप सकते हैं बताइए, स्पाइरोमीटर से माप सकते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट तो आप याद तो रखिएगा जरूर, राइट। अब देखिए कुछ और बातें आपसे छुपाना नहीं है आपको बात करना है, राइट बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक होता है थोरासिक ब्रीदिंग और एक होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। थोरासिक थोरासिक वर्सेस एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ठीक, तो ये क्या है, इसके बारे में तो जानकारी लेना ही चाहिए। ठीक, थोरक्स कौन सा पोर्शन है बताइए, अपना जो गर्दन है, ठीक है, मतलब नेक के बाद जो पोर्शन है, चेस्ट, चेस्ट पोर्शन को आप क्या बोलेंगे, थोरक्स। एक्चुअली यहाँ पर लिख देता हूँ CHEST, चेस्ट। ठीक, और एब्डोमेन मतलब कौन है, बेली, बेली, पेट। ठीक, तो कुछ लोग है जैसे कि मेल, मेल जो है, ठीक है, ये क्या करता है, मेल जो है ये 75% क्या करता है, एब्डोमिनल ब्रीथ करते हैं, और 25% क्या करता है बताइए, कि थोरासिक ब्रीदिंग करता है। तो मेल जो है मेनली कौन सा ब्रीदर बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एब्डोमिनल ब्रीदर, क्योंकि ये 75% देखना, मेल जब सांस लेता है, मेल, हाँ पुरुष, ठीक है, जब सांस लेता है तो उसका क्या कहते हैं, पेट हिलता है, जब ऐसा ऐसा, ठीक है, पेट हिलता है, क्यों, क्योंकि इस तरह का ब्रीदिंग को क्या बोला जाएगा, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। पर फीमेल के बारे में क्या है, फीमेल जो है ये क्या करता है, मेनली ये करता है कौन सा बताइए, आपका थोरासिक ब्रीदिंग, थोरासिक ब्रीदिंग। ठीक है, नियर अबाउट 100% ही बोला जाता है कि ये क्या करता है बताइए, चलो परसेंटेज मेंटेन नहीं करता, क्योंकि मेंशन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट क्लियर कट दिए वाले है, ठीक है, NCERT का ही स्टेटमेंट है, पर आपका बुक में लिखा नहीं है। तो यहाँ पर फीमेल क्या करता है बताइए, फीमेल करता है थोरासिक ब्रीदिंग। ठीक, ये बात बड़ा ध्यान से याद रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं है। ठीक है, चलो ये क्या करता है, थोरासिक ब्रीदिंग, थोरासिक ब्रीद करता है। अब देखिए कुछ और बात, थोड़ा सा और बात आपको बात करना है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नेजल ब्रीदिंग। देखिए हम दो जगह से ब्रीद कर सकते हैं, ठीक, दो जगह से हम चाहे तो ब्रीद कर सकते, ठीक, एक हो गया कौन सा आपका, हाँ ये हो गया आपका नोज, ठीक, तो यहां से हम ब्रीदिंग कर सकते चाहे तो, या दूसरा हम माउथ से भी क्या कर सकते, ब्रीद कर सकते, ठीक, पर कौन सा ब्रीदिंग हमारे लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा, ये इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो ये ऑब्वियसली कौन सा ब्रीदिंग बताइए, नेजल ब्रीदिंग, कौन सा ब्रीदिंग, नेजल ब्रीदिंग,
नेजल ब्रीदिंग हमारे लिए क्या होगा, बड़ा फायदेमंद होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर नाक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हेयर्स मिलता है जिसको बोलते हैं नजल हेयर। क्या बोलते हैं बताइए, ये जो हेयर्स आप ऊपर करके देखना, नाक में हेयर्स मिलता है, इसको क्या बोलते हैं नजल हेयर्स, नजल हेयर्स। तो आप जब ब्रीद कर रहे हैं ठीक है, तो ये एयर है, ये एयर है, एयर के साथ खाली ऑक्सीजन नहीं जा रहा है बच्चों, इसके साथ साथ क्या क्या जा रहा है बताइए, जा सकता है डस्ट, क्या जा सकता है डस्ट, जा सकता है बैक्टीरिया, जा सकता है बैक्टीरिया। और अभी तो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है ठीक है, कोरोना चल रहा है तो वायरस भी जा सकता है ठीक, वायरस जा सकता है एटसेट्रा वगैरह वगैरह, ऐसा सारा जा सकता है। तो ये अगर सीधा लंग्स पे पहुंच गया ये बैक्टीरिया वायरस, तो क्या कॉज होता है, अगर कोरोना वायरस चला गया तो क्या होगा, आपको कोरोना हो जाएगा। बैक्टीरिया चला गया तो सेवरल डिजीज कॉज करता है, डस्ट चला गया तो आपको न्यूमोनिया यहाँ वगैरह वगैरह बहुत सारा कुछ हो सकता है, मतलब एलर्जी हो सकता है। तो ये क्या करता है, ये जो नेजल हेयर है ये क्या करता है बताइए, जो डस्ट है इसको फिल्टर कर देता है। फिल्टर कर देने से क्या होता है, ये फ्रेश एयर कहाँ तक जा पाता है बताइए, लंग्स तक जा पाता है। दूसरा बात, यहाँ पर ये जो आगे जाके ये जो ट्रकिया है, हाँ ये जो ट्रकिया है यहाँ पर क्या रहता है बताइए, ये सिलिया प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर इस तरह का सिलिया प्रेजेंट रहता है सेल के ऊपर। ये सिलिया क्या करता है, ऊपर की तरफ बिट करता है, और यहाँ पर म्यूकस रहता है, म्यूकस ये जगह पे म्यूकस रहता है। म्यूकस के ऊपर अगर बाय चांस डस्ट इसने फिल्टर नहीं कर पाया नेजल हेयर ने, तो म्यूकस के ऊपर आके लग जाता है और सिलिया उसको क्या करता है, ऐसे 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 बीट करके ये रिमूव कर देता है। तो ये क्या हो जाता है, या तो नाक से सिंबूर ऐश करके अगर मतलब आप ये करेंगे तो नाक को प्रेस करेंगे, या मुंह से वाक थू करके बाहर फेंक देंगे स्पीट आउट करके राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नजल ब्रीदिंग का फायदा ले सकते हैं। और अगर आपने माउथ से ब्रीदिंग लिया तो क्या होता है, वहाँ पर एयर नहीं है फिल्टर करने के लिए, तो ये सारा बात याद रखना। तो भी मैं एक सीक्वेंस में आपको बता देता है, इट इज़ हेल्दियर बिकॉज इट इज़ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली हम नाक से ही सांस लेते ठीक है, तो ये नेचुरल प्रोसेस इसलिए हेल्दियर। दूसरा बात एक है, इनहेल्ड एयर कैन कॉन्टेन डस्ट बैक्टीरिया वायरस एटसेट्रा 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 राइट। तो ये क्या हो जाता है बताइए, ये नजल जो हेयर है उसको फिल्टर कर चुका रहता है, तो फ्रेश हेयर जा सकता है ठीक है, जिसके वजह से हम हेल्दी रह सकता है। और ये सारा बातें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम खत्म कर रहे हैं आज का लेक्चर, यहाँ पर डिसमिस कर रहा हूँ राइट। आई होप यू एंजॉय लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।